टेक सूर्या चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। तो आज हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, यानी जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं किस किस राज्य में हैं, कौन कौन से हैं और किस किस नदी पर बनाए गए हैं। तो उससे संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आज कराएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे स्टार्टिंग से पूरे एंड तक जरूर देखिए, तथा देखने के साथ साथ लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, तथा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि यह वीडियो कैसा लगा। और उसके साथ साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो हम चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। इस टॉपिक से आपको एग्ज़ाम में 100% में से 95% क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को देखना ना बोलें, आप लोग ज़रूर ज़रूर देखें, स्किप ज़्यादा ना करें। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले नंबर वन पर हमारा कौन सा है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, यानी पूछता है कि जो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी बनाया गया है, तो सतलज नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर, तो सतलज नदी पर बनाया गया है। कहाँ पर, तो पंजाब में इसे बनाया गया है। तो आगे चलते हैं, दूसरे नंबर पर हमारा आ जाता है ब्यास परियोजना। किस नदी बनाया गया है, तो ब्यास नदी पर। और इससे लाभान्वित राज्य हमारा कौन कौन से हैं, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं, राजस्थान के साथ साथ पंजाब हरियाणा इससे लाभान्वित राज्य हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, तीसरे नंबर पर हमारा आ जाता है दामोदर घाटी परियोजना। तो यह किस नदी बनाया गया है, दामोदर नदी पर बनाया गया है। ठीक है, अब इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं, तो झारखंड पश्चिम बंगाल है। ठीक है ना, यानी इस घाटी इस परियोजना के द्वारा किस किस राज्य को कितना बेनिफिट है वह इसमें बताया गया है। तो हम यहाँ पर क्या, ये हमारा लाभान्वित राज्य है को डिनोट करता है। तो आगे चलते हैं, हीराकुंड बांध। तो यह बात, यानी महानदी बनाया गया है किस नदी पे, महानदी पे इससे लाभान्वित राज्य कौन सा है, उड़ीसा है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी परियोजना किस राज्य में और किस नदी पे बनाया गया है। आगे चलते हैं, चंबल परियोजना किस नदी बनाया गया है, तो चंबल नदी पर बनाया गया है। तो इससे लाभान्वित राज्य राजस्थान, MP मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं, तुंगभद्रा परियोजना तो किस नदी बनाया गया है, तो तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है। और इससे लाभान्वित राज्य हमारा कौन हो जाएगा, कर्नाटक लाभान्वित राज्य हैं। आगे हमारा 7 नंबर पर आ जाएगा परियोजना, न्यू रांची परियोजना किस नदी बनाया गया है, तो न्यू रांची नदी पर बनाया गया है। अब राज्य क्या है, तो पश्चिम बंगाल। ये कहाँ मिलेगा परियोजना, तो पश्चिम बंगाल में मिलेगा। आगे चलते हैं, हमारा 8वां नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करा रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कमेंट जरूर जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं किए जरूर करें। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है, तो कृष्णा नदी पे है। कौन सी नदी, कृष्णा नदी पर है बनाया गया है। और इससे किस राज्य में बनाया गया है, तो आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। इसका मतलब ये हुआ कि आंध्र प्रदेश में बनाया गया, उसके साथ साथ तेलंगाना में भी इससे क्या होता है कि
बेनिफिट मिलता है इस परियोजना के द्वारा। आगे चलते हैं, हमारा नाइन नंबर को जाएगा कोसी परियोजना, जो कि किस नदी बनाया गया है, तो कोसी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं, तो बिहार तथा नेपाल। ठीक है, आते हैं दसवें नंबर पर, परियोजना है गंडक परियोजना। परियोजना ये किस नदी बनाया गया है, तो मैं गंडक नदी पर बनाया गया है। अधिकतम परियोजना जिस नदी बनाया गया है उसी के नाम से मिलेगा, तो इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं, बिहार नेपाल लाभान्वित राज्य हैं। 11 नंबर पर आ जाता है फरका होगा परियोजना। ठीक है, कौन कौन नदी बनाया गया है, तो गंगा तथा भागीरथी नदी पर बनाया गया है। इससे लाभान्वित राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल। इसी तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक उठाया है, जो कि इससे आपको हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर से जरूर मिलेगा। 12 नंबर का हमारा हो जाएगा काकड़ा तारा परियोजना, तो इसे किस नदी बनाया गया है, तो ताप्ती नदी पर बनाया गया है। और इसके बनाने के साथ साथ यह किस राज्य में पाया जाता है, तो गुजरात राज्य में पाया जाता है यह परियोजना। अगला है हमारा 13 नंबर पे तवा परियोजना, इसे किस नदी बनाया गया है, तो तवा नदी पर बनाया गया है। और यह किस राज्य में है, तो हमारा मध्य प्रदेश में यह परियोजना बनाया गया है। अगला जाते हैं 14 नंबर पे नागपुर शक्तिगृह परियोजना, तो यह किस नदी बनाया गया है, तो पुराड़ी नदी पर बनाया गया है। इसके बनाने के साथ साथ किस राज्य में यह परियोजना पाया जाता है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ पाया जाता है, तो महाराष्ट्र में यह बांध परियोजना पाया जाता है। हमारा 15 नंबर पर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ पाया जाता है, तो यह तो राजस्थान में पाया जाता है, लेकिन बनाया किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर बनाया गया है, लेकिन पाया जाता है कहाँ, राजस्थान में पाया जाता है। 16 नंबर पर जाएगा उकाई परियोजना, तो यह परियोजना किस नदी बनाया गया है, तो ताप्ती नदी पर बनाया गया है। और इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात राज्य में यह परियोजना पाया जाता है। 17 नंबर पे पोचमपाद परियोजना, इसे गोदावरी नदी पर बनाया गया है, जो कि कर्नाटक राज्य में बना है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है कि यह परियोजना किस नदी बनाया गया है और उसके साथ साथ किस राज्य में पाया जाता है। तो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से करा रहा हूँ, माल प्रभाव परियोजना किस नदी बनाया गया है, यह परियोजना माल प्रभा नदी पर बनाया गया है, जो कि कर्नाटक राज्य में यह परियोजना क्या है पाया जाता है। आगे चलते हैं, तो हमारा 19 नंबर हो जाएगा महानदी डेल्टा परियोजना, तो यह महानदी पर बनाया गया है, जो कि किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में बनाया गया है। अगला 20 नंबर पे रिहंद परियोजना किस नदी बनाया गया है, तो यह भी रिहंद नदी पर बनाया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, तो आज हम 20 कराएंगे, शेष बचा मैं अगले वीडियो में फिर से करा दूंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है। इससे आपको हर एक एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीक़ों से मिलेगा। तो आइए कि आप लोग इस वीडियो को पूरी स्टार्टिंग से पूरे एंड तक देखेंगे, और देखने के साथ साथ लाइक शेयर तथा अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन या वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, और शेष बचा जो भी
एग्जाम व्यू के अकॉर्डिंग